वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चना रहा है इंग्रीडिएंट लेके चलो। छह बता दिया आपने, छह बता दिए, चलो भाई छह हम भी बताते हैं फटाफट। और दो स्टॉक तो ऑटो एंड सेलरी नहीं, ओईएम से हैं, अशोक लेलैंड और आईशर। अशोक लेलैंड के नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं, 84% YoY ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये एक अच्छा नंबर है। मीडियम टू हैवी केमिकल कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ऑटो में देखिए दो ही सेगमेंट चल रहे हैं, या तो प्रीमियम कार खूब बिक रहे हैं या ट्रक और कमर्शियल व्हीकल बिक रहे हैं, बाकी टू व्हीलर व्हीलर कुछ नहीं बिक रहे हैं। ऐसा ही आपको आईशर मोटर्स में भी देखने को मिलेगा, उनकी जो बुलेट है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि ये लो बेस पे मानना चाहिए क्योंकि पिछले कई महीनों में काफ़ी वीक परफॉर्मेंस था, लेकिन वहाँ से अब बाउंस देखने को मिला है, तो ये हमें लगता है कि बाज़ार को हो सकता है पसंद आ जाए। लेकिन दोनों ही सेगमेंट में आप देखिएगा स्टॉक पे थोड़ी थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। तीसरा स्टॉक गुजरात गैस, जो आशीष ने कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि जो इतनी प्राइस हाइक लेनी है आपको ले सकते हैं आप, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन जितनी आप प्राइस हाइक लेंगे उतना वॉल्यूम आपका गिरेगा। और गुजरात गैस के लिए लगातार ये कंसर्न बना हुआ, चूँकि ये इंडस्ट्रियल प्ले ज़्यादा है रादर की सिटी गैस के, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि कंपनियों का धंधा चलेगा तभी वो गैस खरीदेंगे इतनी महंगी। तो गुजरात गैस मुझे लगता है नेगेटिव प्ले करना चाहिए, और इसमें हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जो उन्होंने 460 रुपये का टारगेट भी दिया था इनका। फिर चौथा स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ग्लोबली जो पूरी दुनिया में डॉलर की स्ट्रेंथ तो सही है। आज ताज़ा खबर ये है सुबह सुबह कि स्पॉट प्राइसेज एल्युमिनियम की 5% गिर गई हैं। स्पॉट हमेशा इंडिकेशन होता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे, तो ये 5% की फॉल ठीक ठाक बड़ी फॉल है, तो मुझे लगता दबाव रहेगा। जैसा मैंने कहा कि ऑटो में टू व्हीलर्स में दिक्कत है, तो हीरो मोटर बजाज ऑटो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सेल भी उस तरीके से पिकअप नहीं करेगी, क्योंकि रूरल और छोटे शहरों में टू व्हीलर्स की डिमांड अभी भी उस तरह से पिकअप नहीं कर पा रही। ऊपर से RBI ने और 0.5% ब्याज दर बढ़वा दिया है, तो डिपॉजिट रेट तो अभी नहीं बढ़े हैं लेकिन लोन आपका तड़ापड़ महंगा हो गया है। अब आप लेने जाएंगे तो बढ़ा के देंगे वो, तो इसकी वजह से छोटे टिकट साइज़ की जो गाड़ियाँ हैं 1-1.5 लाख 50,000-75,000 उस पर असर देखने को मिलेगा, और इसका असर अक्रॉस द बोर्ड होगा, तो मुझे लगता है कि ये रेडमी ट्रेड करनी चाहिए। तो ये 6 स्टॉक्स, इसी के साथ छोटा सा ब्रेक ले लें, ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं ब्रेक के बाद अगले स्टॉक्स पे बातचीत। 39 हो गया भाई।